इसके पहले वीडियो में हम जाने थे कि धनी सुपर सेवर कार्ड को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और साथ में ये भी जाने थे कि हम उसे कैसे यूज करें। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन हमें जो अप्लाई किए थे धनी सुपर सेवर कार्ड, वो कार्ड हमारा आ चुका है। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास धनी सुपर सेवर कार्ड आ चुका है, सेम टू सेम आपको एटीएम जैसा दिखने लगेगा। दोस्तों ये एक बहुत ही मजबूत कार्ड है, आपको इस कार्ड में हर ट्रांजेक्शन पे 5% का कैशबैक मिलेगा दोस्तों, जो कि आपको आम एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कार्ड मुझे कैसे मिला तो आप ये अगला वीडियो देख सकते हैं इसके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे ये कार्ड कैसे आया और साथ में ये भी जानेंगे कि हम इसका पिन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत ही सिक्योरिटी फीचर दिया गया है, क्योंकि इसका सीबीसी नंबर जो है सीबीवी, इसमें आपको एप्लीकेशन से डायरेक्ट देखना पड़ेगा, इस कार्ड में दिया गया नहीं है। अगर आपका कार्ड खो भी जाए, कोई देख भी ले, तो कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सीबीवी नंबर हाइड करके रखा गया, जो आप अपने एप्लीकेशन से ही देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। तो देख सकते हैं मुझे ये डब्बा मिला है दोस्तों, मेरा कार्ड आ चुका है मेरा एड्रेस में। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस डब्बा में मुझे क्या क्या मिला है। तो चलिए हम इस डब्बा को ओपन करते हैं दोस्तों। तो ओपन करते हैं इसे, इसको फाड़ देना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके फाड़ने के बाद देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। इसमें थोड़ा हमें कुछ एडवाइजरी मिला है, आप यहां से देख सकते हैं, वेलकम टू द धनी सुपर सेवर कार्ड। उसके बाद धनी, डियर धनी कार्ड ऑनर योर सुपर सेवर मेंबरशिप विद 5% कैशबैक एवरीथिंग फॉर फ्यूल गर्ल्स मेल्स, यानी आप कोई भी ट्रांजेक्शन पे 5% आपको यहाँ पे आपको छूट मिलता है। देख सकते हैं 5% पे हर ट्रांजेक्शन पे हमें कैश बैक मिलेगा दोस्तों। योर धनी कार्ड इज एक्सेप्टेड एट ओवर 30 लाख प्लस रुपये मर्चेंट्स, इसमें 30 लाख से ज़्यादा इसमें आपको मर्चेंट्स में एक्सेप्ट होगा दोस्तों। इसमें आपको पिन है, क्लिप योर पिन ऑफरिंग योर हाईएस्ट लेवल एंड सिक्योरिटी अकॉर्डिंग विथ RBI गाइडलाइंस, कैन बी स्विच बे ऑन ऑफ योर सेट लिमिट्स ETC कन्वर्जन फॉर योर धनी ऐप। तो हम इसे ऑन करके भी देखेंगे, हमारा पिन जो बनाना पड़ता है उसमें पिन भी हम बना के देखेंगे कैसे हम पिन बनाएं दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा ये धनी कार्ड मिला है। उसके बाद मैं आपको कार्ड का भी दिखा देता हूँ मुझे किस तरह का कार्ड मिला है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ मुझे एक डब्बा मिला है, इसमें कवर भी मिला है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से मुझे ये कार्ड भी मिला है दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं धनी कार्ड मुझे मिला है, आप इस तरीके से देख सकते हैं इस धनी कार्ड मुझे मिला है। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम ये ATM कार्ड जैसा होता है, इसमें चिप भी लगा हुआ है और ये वाईफाई वायरलेस भी है दोस्तों। ये सिर्फ बोल रहा है फॉर यूज़ इन इंडिया, यानी आप ये कार्ड इंडिया में ही यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनियम प्रीपेड कार्ड है। और ये कार्ड आपको ATM जैसा मजबूत भी दिखेगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। आप इस कार्ड को अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसका पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हैं और इस कार्ड को मंगा सकते हैं दोस्तों बड़ी आसानी से। इसके बाद जानेंगे कि हम इसका पिन कैसे बनाएं, इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन पे जाना है। तो चलिए हम अपना एप्लीकेशन में जाते हैं और पिन कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पासवर्ड सेट किए थे आपको पासवर्ड डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे धनी कार्ड में आ जाना है दोस्तों। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, देख सकते हैं धनी कार्ड में आपको जाना है। धनी कार्ड में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्टिव योर फिजिकल कार्ड, यानी जो आपका कार्ड कुरियर से आया है आपके पास उसे एक्टिव करने के लिए यहीं आपको जाना पड़ेगा। धनी रुपये फिजिकल कार्ड कैन बी यूज ऑल ऑफलाइन मर्चेंट ऑफ योर च्वाइस, ठीक है। तो आपको एक्टिव नाव पे क्लिक करना है, एक्टिव नाव पे क्लिक करने का आप यहां से ऑर्डर भी कर सकते हैं, ऑर्डर ए फिजिकल कार्ड अगर आपका ऑलरेडी आया हुआ है तो यहां से एक्टिव नाव का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्टिव योर प्लास्टिक कार्ड, इंटर द 16-डिजिट धनी पे कार्ड नंबर टू एक्टिव, आपको अपना जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर आपको डाल के कंटिन्यू कर लेना है। चलिए हम अपना कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू कर लेते हैं इसे। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन पिन सेव करना पड़ेगा, जैसे कि आप ATM का पिन सेट करते हैं उसी तरीके से आपको ट्रांजेक्शन पिन सेट करना पड़ेगा। जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपको ये पिन देना पड़ेगा, तभी आपका कोई भी ट्रांजेक्शन होगा दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे 4-डिजिट का एक ट्रांजेक्शन पिन सेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है दोबारा से,
उसके बाद आपको अपने मोबाइल पे ओटीपी आएगा जो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। छह तो उसके बाद क्या करना है आपको, फाइनल स्टेप के लिए एक कॉल करना पड़ेगा जो आपको रिक्वेस्ट एक कॉल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दबाना है। डेट ऑफ बर्थ दबाने का जहेज दबा देंगे तो आपका कार्ड फाइनली ओपन हो जाएगा, यानी आपका फाइनली आप वो कार्ड यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम कॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे 5% कैशबैक यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन पे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।